आने वाले समय में थोड़ा सा हो सकता है साल भर के लिए, अब वो मुझे दशा देखनी पड़ेगी कितने समय की रहती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की राहु की महादशा में जब केतु की अंतरदशा आती है तब उनकी अवेकनिंग होती है। तो अगर 2020 में ऐसी के किसी दशा में आपका अवेकनिंग हुआ है और आप 84 बॉर्न हो या 85 बॉर्न हो, 83 कुछ ऐसे बॉर्न हो, और आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर स्ट्रेसफुल एनर्जीज फील हो रही है, और कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है कि जैसे मानो अभी मुझे वो ड्रीम समझ में आया जिसमें मैंने देखा कि मेरी मतलब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने उनके चेहरे पे देखा कि जैसे हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं कि कोने में भी एक पिक्चर दिख रही है और यहाँ पे भी दिख रही है, तो गाल पे जो है जैसे काजल लगाया हो किसी ने, गाल पे कालिख लग दी हो, काजल लगाया हो, इस तरह से वो दिख रहा था ड्रीम में। तो ये बता रहा है कि भाई आपकी चंद्र की जो है, चंद्र देखो माँ को चंद्र से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके, चंद्रमा को माँ की तरह शीतल समझा जाता है, फादर को उग्र सूर्य की तरह उग्र समझा जाता है। तो अब मुझे वो समझ में आया कि भाई चंद्रमा, अभी देखो राहु की महादशा शुरू है उसमें चंद्रमा की अंतरदशा आपकी शुरू हो चुकी है, तो किस तरह से जो है आपका माइंड इंडिकेशन दे रहा है, और मैं देख रही हूँ कि कोई काम नहीं बन रहे हैं, और आप सिर्फ दूसरों का, मतलब आप खुद के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ दूसरों के भलाई के लिए, सोल पर्पज़ इसके लिए लड़ रहे हो, और वो जो है आपको बदले में बहुत ही ईर्ष्या, बहुत ही पेन, बहुत ही दर्द, बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ें आपको दे रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हे ईश्वर मेरा क्या दोष है जो मेरे साथ ये हो रहा है। तो इस वक्त आपको शिव जी की बहुत पूजा करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी दशा में निगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, आपको लग सकता है कि परिवार की ऐसी स्थिति को बर्दाश्त करने से अच्छा है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। तो ये सिर्फ समय की चीज़ है, इतना ध्यान रखना है कि ये समय है, ये समय अगर आप काट लेते हो इसको भूल जाइए, जान लीजिए कि इस समय में ऐसी निगेटिव एनर्जीज आ रही है और इसको जो है हमको स्किप करना है, इसको लेना नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना है। तो माँ को दिखाया गया कि यहाँ पे कालिख मतलब माँ मतलब चंद्र, चंद्र के ऊपर काला मतलब राहु, ओके, तो मतलब निगेटिविटी आ रही है चंद्र के ऊपर, तो ये इंडिकेशन है। हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की भी कोई चंद्र की, क्योंकि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन के जो होते हैं, चंद्र शनि, चंद्र रवि, या डिवाइन फेमिनिन केस में भी चंद्र के ऊपर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, या कहीं से भी चंद्र पीड़ित हो जाता है। तो ऐसे में अगर किसी की ऐसी दशा शुरू है तो ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं, अभी मुझे वो डिकोड हुआ। और ख्याल रखिए कि बहुत मेंटल, मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें मैंने देखा था कि गाय मरी हुई है और उसके साथ एक औरत भी है, उसकी आंखें खुली है, वो भी मरी हुई है, जैसे दोनों की एक ही जो है अर्थी निकल रही है दोनों की। तो इसका मीनिंग सर्च किया, उसका मीनिंग भी मुझे उसी ड्रीम में बताया गया जिसमें मुझे दिखाया गया कि मेरे फादर मुझसे झगड़ रहे हैं और वो बोल रहे हैं हाँ हाँ तू तो मेरे बेटे का बुरा चाहती है। मतलब मैंने सोचा यार, जिनके लिए हम मन्नतें मांगते हैं, जिनके लिए सिर्फ प्रार्थनाएं करते हैं कि भगवान इनको अच्छी बुद्धि दो, इनको, और बदले में उल्टे आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में मैंने देखा और सर्च किया उस ड्रीम के बारे में, तो पता चला गाय मरी हुई देखना मतलब मानसिक तनाव आपकी लाइफ में निर्माण हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। तो इस मानसिक तनाव का कारण है कि आपका अगर इस समय चंद्र बहुत बिगड़ा है, आप लिटरली हार जाओगे, थक जाओगे, आपको लगेगा कि भाई मैं इस लाइफ को ख़त्म ही कर दूँ तो अच्छा होगा, क्योंकि इतना ये स्ट्रेसफुल हो सकता है। मुझे याद है कि जब चंद्र की महादशा थी, बहुत ही भयानक सुसाइडल थॉट्स, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आते थे, कभी बुआ मार रही है, और बिल्कुल द्रौपदी हो के कोई भी मारेगा रोड पे जाएगा, चौक में जाके मारेगा, क्योंकि आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। समटाइम्स डिवाइन फेमिनिन की माँ नहीं होती है, परिवार सबसे भरा पड़ा हुआ होता है, उनको लगता है कि ये कंकर है, इसको उठा के फेंक देना चाहिए। तो ये मेरे पास हमेशा रहता था कि कोई भी मारेगा मुझे चौक में मारेगा, बेल्ट से मारेगा, सीरियसली मतलब रास्ते पे ही मारेगा। तो मतलब ये डिवाइन मैस्कुलिन का भी ऐसे सिचुएशन हो सकता है कि भाई वो भी करेंगे, इंसल्ट करेंगे तो रास्ते पे करेंगे। और
इवन कार्निकल्स हो, मतलब डीएफ की लाइफ में उनको जो ये सच्चाई है कि डीएफ की लाइफ में उनको जब इंसल्ट किया जाता है, मतलब उनको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इंसल्ट किया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। जैसे मेरा कार्मिक भी जो है रात रात भर घर के बाहर रखना, मतलब इनके लिए कोई घर बना ही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इनको भटकना यही इनकी डेस्टिनी है, इनके सोल पर्पज़ इसके लिए इनको ये डेस्टिनी दी गई है। कि क्या होता है जब किसी के ऊपर अन्याय होता है, उनका दुख दर्द आप समझ सको, इसलिए आपके साथ वो किया जाता है। तो ये चंद्र की महादशा में मेरे साथ होता था, बाद में भी ये बहुत बार हुआ, पर चंद्र की महादशा में मतलब मानो दोस्त धोखा देना। जैसे मेरे हमारा जो कॉलेज था 3 किलोमीटर दूर था, और जिसके भरोसे मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था, और वो मुझे बोल रही है कि मेरे साथ मत आया करो। और वह मेरी बचपन की दोस्त, मतलब जिसके ऊपर आपने आंख बंद करके विश्वास किया, वो आपसे इतनी ईर्ष्या करती है आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। पूरी गैंग उसकी, उसके बचपन के दोस्त, उसके स्कूल के दोस्त, और हमने सोचा कि हमको सपोर्ट मिल जाएगा इसलिए हम जो है उस कॉलेज में। तो मुझे 3 किलोमीटर दूर अकेला जाना पड़ता था, उस समय 11वीं का क्लास कोई अटेंड नहीं करता था। तो ये चार लड़कियां जाती थी, मानो चार या पांच, पांच लड़कियां जाती थी, और वही कॉलेज होता था। फिर 12वीं में बहुत सारे लोग आ गए, अटेंड करने लगे कॉलेज, तो उस समय मेरे काफ़ी दोस्त हो गए। फिर मेरे दोस्त से भी जलने लगे बहुत लोग कि इसको इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिल गए, होशियार होशियार अच्छे, जो पढ़ाई में भी अच्छे थे। बट वो मैं ईयर याद करती हूँ कि मुझे एक बेंच पर अकेला बैठा जाता था, जैसे मैं कोई मतलब। बट ये था कि टीचर्स का मेरे साथ बिहेवियर बहुत अच्छा था, और अब गुरु मेरा अच्छा है कुंडली में, तो टीचर्स मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करते थे, और वो भी किसी से, मतलब वो दोस्त थे उनसे देखा नहीं जाता था वो। और मुझे अकेला बिठाया जाता था, जैसे मैं मतलब अनवांटेड हूँ, इतनी ईर्ष्या मुझसे, मतलब दोस्त धोखा देंगे, फैमिली वाले मतलब घर में पानी भर के रखा है, फिर भी मेरे फादर ने मुझे मतलब बिल्कुल चौक में बेल्ट से मारा। मतलब ये बहुत ही मेरे लिए उस समय इतना शॉकिंग था, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो रीज़न कुछ उल्टा ही था कि स्टेप मदर ने उनको इतना स्ट्रेस दिया था, तनाव दिया था, वो गुस्सा उन्होंने मेरे ऊपर निकाला, लेकिन वो इस चीज़ को कभी कबूल नहीं करते। तो घर में पानी मैंने भर के रखा था, जबकि हमारे घर में इतने सारे नौकर हुआ करते थे, लेकिन छूत अछूत का चक्कर था उस समय, कि ब्राह्मण के हाथ से भरा हुआ ही पानी पीना था, और ये वो पानी नहीं चलेगा। उस समय वो बॉटल्स के पानी नहीं हुआ करते थे, कुएं से पानी लाना पड़ता था, और वो भी बिना चप्पल के। उस समय जो डांबर के रोड हुआ करते थे वो भी नहीं थे, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, धूप हो, कुछ भी हो, वो कुएं से पानी भर के लाना पड़ता था। घर में 10 नौकर थे, वो भी वही पानी पीते थे, मतलब घर की बेटी पानी भरे और सब पिए, इस तरह से वो हालत थी हमारे घर की। और भरने के बाद भी मुझे पीटा गया, तो मैंने फिर रिवेंज लिया कि आप चाहे जो हो जाए, अब पानी ही नहीं भरना है। तो मैंने वो तो मतलब ठान ली द्रौपदी की तरह, और सबक सिखाया सबको कि आप जाए जो कर लो, मार डालो, अब नहीं भरना है। क्योंकि भरने के बाद इतने साल आपने उनको पानी भर के, मतलब मुझे याद है कि मैं आई एम जस्ट पांचवी में थी मैं, और फिर भी मैं कुएं से पानी लाती थी, हंसते हंसते लाती थी। और वो मेरा एक अच्छा, कभी कभी लगता है जैसे अभी हमको शुगर हो रहा है, अगर ऐसे स्ट्रेस, ऐसे काम हमने किए होते तो नहीं हुआ होता, तो बट वो नहीं कर सके हम। तो वो मतलब मेंटली इतना क्रश कर दिया जाता है कि आपको जिस काम में मज़ा आ रहा है वो भी आप नहीं करोगे। तो कुछ ना कुछ दोस्त भी धोखा देना, मुझे याद है कि कौवा मार के जाता था मुझे, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये कौवा मुझे मार के क्यों जा रहा है। तो चंद्र की अंतर्दशा महादशा में बहुत गंदी बुरी चीज़ें होती थी। जब मैं कॉलेज जा रही हूँ, कभी कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, कभी बकरी मेरे पीछे पड़ी है, गाय नहीं पड़ी, बट समटाइम्स मुझे डर लगने लगा कि कौवा भी पीछे पड़ा है, बकरी भी पीछे पड़ी है, कुत्ता भी पीछे पड़ा है, कहीं ये गाय भी मेरे पीछे, मतलब इतना डर मन में पैदा हो गया। मैं जब कॉलेज में जाती थी तो मुझे टीचर्स अच्छे थे मेरे,
वो मुझे पूछते थे, उनको थोड़ा शायद पता था कि स्टेप मदर घर में है, तो वो मुझे पूछते थे कभी कभी कि भाई क्या हो रहा है, तुम बहुत हंसा करती थी, अब तुम हंसती नहीं हो। तो मतलब एकदम मुरझा सा गया है इंसान, अब उसकी हंसी गायब हो गई है इस तरह। वो भी 12th शुरू था मेरा, 12वीं का ईयर था, और बहुत ही बैड कंडीशन चंद्र की। उस समय अगर किसी ने कुंडली दिखाई होती, कुछ उपाय किए होते या कुछ मेडिटेशंस करवाए होते तो बहुत अच्छी चीज़ें होती थी। उसी समय स्टेप मदर ने जो है तांत्रिक क्रियाओं में फंसा दिया, मतलब तांत्रिक के घर में ही भेज दिया, स्टेप मदर के का मैका था वहाँ पे भेज दिया। और फिर उनकी माँ ने जो किया उसके बाद ऐसे डिप्रेशन में गई मैं, कंप्लीट सुसाइडल, मतलब जीने की जैसी इच्छा ही नहीं, अनलिमिटेड मतलब नींद की गोलियां खाना, ये खाना वो खाना, और ऐसा लगता था कि अब कोई नहीं है दुनिया में, जी के क्या करेंगे। तो इस तरह से हालत हो गई थी कि कई बार मरते मरते बचे इंसान, आईसीयू के बिल भरते भरते मेरा बाप परेशान। तो मतलब चंद्र की महादशा इस तरह से, अगर हम इस चंद्र की महादशा पे, अंतरदशा पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, या अपने आप को ये जान के कि भाई मेरी चंद्र की महादशा शुरू है, ये संकट है, और मुझे इस समय जो है अपना बहुत केयर लेना है, किसी से झगड़ना नहीं है, किसी गलत चीज़ में जाना नहीं है, हो सके तो कोई भी स्ट्रेसफुल कार्य या बड़ी जिम्मेदारी आपको लेनी नहीं है, इस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं और शिव जी का ध्यान करते हैं, काल भैरव का ध्यान करते हैं, तो आप बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। वो बहुत ही बड़ा लेसन था दोस्तों। अगर आप सोचते हैं कि लाइफ को आप ख़त्म कर देंगे, तो मैं बताती हूँ कि 10 गोलियाँ खाने से इंसान मर जाए। वो खा के मैंने देखी, मैं बच गई। फिर मैंने 50 खाई, फिर भी मैं बच गई। मतलब मेरे फादर मुझे बचा लेते थे, और ऐसा होता था कि मैं मतलब फिर मैंने सोचा कि वह 4-5 बार ट्राई कर लिया और हम बच रहे हैं 50 गोलियाँ खा के, अब कुछ ऐसा किया जाए कि वापस ना आए। तो मैंने 200 गोलियाँ खाई, और पहले तो मैं 3-3 दिन बाद मुझे होश आता था आईसीयू में, इस बार मुझे 5 दिन बाद होश आया, और इतना बिल हुआ आईसीयू का कि मेरे मतलब मैं डिप्रेशन में, मेरे फादर के इतने कर्जे 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 हुए, तो वो जो उनको वो पैसे नहीं थे उनके पास उस टाइम पे, इतना कर्जा हो गया। तो मैं मतलब आईसीयू के बिल भरते भरते मेरे फादर बिल्कुल थक गए थे, और मैं वो उनको काफ़ी इंसल्टिंग लगता था, जवान बेटी। और तुमने मतलब इसीलिए मैं जानती हूँ कि मेरे फादर को बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। तो अभी ये एक अलग बात है कि जो भी है, तुमने वो सोच के उनको काफ़ी बार माफ़ कर देती हूँ कि मेरी वजह से उनको ये फेस करना पड़ा कि क्यों बेटी जो है सुसाइडल अटेम्प्ट कर रही है। या उस समय उन्होंने मेरी काफ़ी केयर ली, अगर उस समय उन्होंने मतलब वो कंटिन्यूसली ध्यान रखते थे कि ये कुछ कर न ले, लिटरली सुसाइडल मतलब, और चंद्र की महादशा। बट ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके बाद, मंगल की महादशा आई थिंक आई या जो भी थी, ऐसा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वो मैं नहीं रही। ओके, वो मैं नहीं रही। और कोई भी लाइफ का फेज होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता है, बट उसी चीज़ को पकड़ा गया। ओके, इसने सुसाइडल अटेम्प्ट किए थे, तो हमने ये सब बता के शादी की, फिर भी सामने वाले ने नहीं, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, सब कुछ जानते हुए मेरे ससुराल वालों ने मतलब शादी के खुद ही प्रस्ताव दिया, हमने नहीं, पीछे पड़े थे हम उनके, वो पीछे पड़े थे हमारे, और हम तो बीच में बहुत बार तोड़ना चाहते थे लेकिन उन्होंने वो टूटने नहीं दिया। लेकिन रिश्तेदारों ने, अरे ये कुछ कर लेगी, तो मतलब इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। और मतलब वो चंद्र की दशा थी दोस्तों, उस समय आप मानसिक आपा खो देते हो, बट ये दुनिया जो है वो बोलेगी ज्योतिष पे कहाँ विश्वास करे, इस तरह से। तो ज्योतिष पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भाई सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि ज्योतिष सीख लो, आजकल फ्री में ज्योतिष अवेलेबल है, यूट्यूब्स वगैरह पे आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा आपको कैसे सीखना है, वरना मैं भी सिखाती हूँ।
तो कई सारी मुसीबतों से आप बच जाते हो अगर आपको पता चल जाए, क्योंकि अब हम कुंडली देखते हैं तो सब कुछ उसमें आईने की तरह होता है कि क्या इसकी लाइफ में इसने भोगा है और क्या ये भोगेगा और क्या इसका चल रहा है। तो कुंडली दिखाना अच्छे रीडर से कभी भी अच्छा होता है, और कभी भी खुद सीख ले तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे रीडर्स क्या होते हैं, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि वो बस आपको अच्छा ही बताते हैं, तेरा 2 साल में काम हो जाएगा। मैं 200 लोगों के पास गई कि जब मेरे ससुराल वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करते थे, हर इंसान बोलता था बड़े से बड़ा ज्योतिष तेरा 2 साल बाद एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसे 2 साल के 12 साल हो गए, मतलब कोई भी ज्योतिष जो है इस तरह से, क्योंकि वो दुखी नहीं करते सामने वाले को, उनको पता होता है कि किसी को निराश नहीं करना है, क्योंकि किसी का वर्ड किसके मुंह में जाए, कौन क्या कर बैठे हो, ज्योतिष ने कहा इसलिए हम हार गए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्योतिष आपको निराश नहीं करते, लेकिन आपको खुद का भविष्य खुद पता होना चाहिए, कहाँ पे किस चीज़ के आपको ऊपर आपको वर्क करना है, कौन सी कर्मा आपने पास्ट लाइफ में किए थे ये पता होना चाहिए। इसलिए खुद ही जो ज्योतिष अगर आप सीख लेते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और इस तरह से तो इस समय जिनकी भी चंद्र की महादशा, अंतरदशा, डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन की शुरू है, उनको शायद ये ड्रीम आ रहा है कि माँ का चेहरा काला काला दिखना, मतलब चंद्र और राहु का मिश्रण वो दिख रहा है, चंद्र मतलब माँ, राहु मतलब ब्लैक, ओके। वो जो तो ये इस तरह से दिखा रहा है मुझे। देखो डिवाइन फेमिनेंस को ना पहले ही प्लेनेटरी पोजीशन पता चल जाती है, चाहे जैसे मेरा टाइम फिक्स मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता चल जाता है। कैसे, देखो जैसे मेरे भांजे का जो था अष्टम स्थान, मृत्यु स्थान होता है, वहाँ पे चंद्र मंगल था, तो चंद्र जहाँ पे होता है, मतलब चंद्र मतलब पानी, मंगल मतलब कोई ऐसी ज्वलनशील चीज़। तो मैंने देखा कि उसके पेट में जो है मंगल ग्रह मुझे दिख रहा है, और स्पोर्ट हुआ, वो चला गया, इस तरह से ड्रीम में दिखाया गया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो गणपति मंदिर में हुआ ऐसा दिखाया गया, मतलब गणेश जी ने वो विघ्न को टाल दिया, क्योंकि उनके घर में गणेश जी की सेवा होती है, हर रोज 21 मोदक का नैवेद्य होता है, उनके घर में ही मंदिर है। वो कैसे है पता नहीं, मतलब बंधा हुआ नहीं है, बट इट्स अमेजिंग कि जैसे बहुत बड़ा शिवलिंग उनके घर पे है, तो अच्छा है, जिसकी वजह से शिवलिंग की पूजा होती है उनके हाथ से और सेवा की जाती है गणेश परिवार की, तो इसकी वजह से शायद वो विघ्न टल गया। फिर मैंने भी बहुत सारी मन्नतें मांगी, और जब मैं उसी टाइम पे मैं ज्योतिष सीख रही थी, तो मैंने देखा अरे बाप रे, मतलब इसका इतना बड़ा ये संकट था। और बचपन में भी मुझे एक ड्रीम आया था कि मेरा बहन का बेटा जो है कुएं में गिर गया है, छोटा सा बच्चा। तो चंद्र जो होता है, मतलब आपका कुंडली इतना सही बताता है कि चंद्र जो होता है वो मतलब जो बच्चे होते हैं ना बिल्कुल कम समय में जिनकी डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी कुंडली में मंगल था, मतलब उसको मध्यम आयु मिलना था। तो जब ऐसे बच्चे जिनका अष्टम स्थान में चंद्र हो, उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि बचपन में कोई हादसा उनके साथ, मतलब जाने की संभावना रहती है। तो वो विघ्न टल दिया भगवान ने, लेकिन मुझे बताया गया है, उस समय मैं जो है ज्योतिष नहीं जानती थी, फिर वो कुएं में गिरना, चंद्र मतलब पानी, पानी से डेथ होना, जिनके भी अष्टम में जो है चंद्र होता है उनको पानी से भय होता है, पानी से डर रहता है। तो इस तरह से जब, और जब मेरे गुरु की कुछ अच्छी दशा आई, तो उसमें दिखाया जाए कि शरद उपाध्याय जिनको मैं गुरु समान, जिनसे मैंने ज्योतिष सीखा, तो वो सामने से रास्ते से एकदम फास्ट चले आ रहे हैं, और मैंने फट से उनके पैर छू ले। और बहुत सी ऐसे, मतलब बहुत सी ऐसी खुद की नहीं दूसरों की भी दशाएं आपको ड्रीम में सूचनात्मक स्वप्न, मतलब आपको डिकोड करना पड़ेगा। जैसे मैं ये डिकोड अब मुझे समझ में आया कि माँ के चेहरे पे ऐसे कालक क्यों दिख रही है फोटो में भी, इवन डिवाइन मैस्कुलाइन के माँ के चेहरे पर भी मुझे ऐसे काला काला नजर आया, मतलब मेंटल स्ट्रेस उनको कहीं ना कहीं से हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी उनकी दशा शुरू है, अंतरदशा शुरू है, जिसकी वजह से जो है मेंटल स्ट्रेस डिवाइन मैस्कुलाइन को भी हो रहा है और डिवाइन फेमिनिन को भी हो रहा है। बोलते हैं ना दोनों की कुंडली एक दूसरे को मिरर करती है, दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहा है, कुंडली में कुछ ना कुछ तो मिरर होगा ही। तो मैं भी देखती हूँ कि वह डिवाइन मैस्कुलाइन के कुंडली में जो है चंद्र और शनि एक साथ है, हो सकता है उनकी शनि की कोई अंतरदशा या कुछ भी हो,
तो मतलब शनि महाराज जिस तरह से काले हैं, तो मेरे मदर के चेहरे पे मुझे बिल्कुल काले स्पॉट दिखाई दिए, और उनका मदर कब जैसे छांव में है मतलब कोई धूप में बैठा है ना, सारा चेहरा ठीक है लेकिन चेहरे पे छांव दिख रही है, मतलब ब्लैकिश दिख रहा है। तो मैं समझ नहीं पाई कि वे दोनों की माँओं के ऐसे क्यों दिख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ दशाएं शुरू है जिनकी वजह से इनको बहुत गंभीर मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा। आज कार्ड भी निकले हैं, नाइन ऑफ सॉर्ड्स डिवाइन मैस्कुलाइन को, जो कि इस कनेक्शन के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल है। और इस तरह से आपको उपाय ज़रूर करने चाहिए, और अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी लाइफ में चल रही हो तो बी केयरफुल, डिप्रेशन आ सकता है। और कुछ भी ऐसा स्टेप मत उठाइए, अगर मेरे डीएम भी सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, चंद्र की महादशा में इतना परेशान हो जाता है इंसान अंतरदशा या महादशा में। तो अगर आपका चंद्र बिगड़ा हुआ हो तो ये महादशा बहुत ही कठिन जा सकती है। और ट्विन फ्लेम्स के ज़्यादातर विष योग होते हैं, चंद्र के, चंद्र शनि या चंद्र के ऊपर शनि की दृष्टि, और ऐसे में राहु के साथ अगर महादशा अंतरदशा कुछ चल रही है तो बहुत ही गंभीर परिणाम इसके होते हैं। तो मन पे बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये सिर्फ दशा की वजह से हो रहा है। जैसे ही ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा आप बहुत ही अच्छा फील करोगे, आपके मन से वो विचार चले जाएंगे और आप कभी भी ऐसा विचार नहीं करोगे। और काली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, चंद्र अगर बिगड़ा हुआ हो तो। मैं काला ड्रेस पहन के आईसीयू में गई थी, मुझे वो हमेशा याद है, बहुत ही खूबसूरत था वो ड्रेस। और एक बात मुझे समझ में आई कि अब आई अवेकनिंग के बाद कि क्यों मेरी मृत्यु नहीं हुई। एक तो मतलब ऐसा मुझे उस समय मुझे लगा कि भाई लोग 10 गोलियों से मर जाते हैं, मैंने तो इतने ट्रायल किए, लास्ट में मैंने डायरेक्ट 200 गोलियां खाई, उसके बाद में मैं नहीं मरी। तो मुझे समझ में उस समय, और क्योंकि ये ट्विन फ्लेम्स इतने क्रूर नहीं होते किसी को गला दबा दे, कोई काटा काटी कर दे या कहीं से कूद जाए, इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं होती। तो क्योंकि ये चींटी भी मारते नहीं है, मतलब इम्पैथ होते हैं, दयालु होते हैं, तो खुद के ऊपर भी कैसे वो कुछ बुरा कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि कितनी भी बुरी परिस्थिति आए, ये ऐसे नहीं होते कि ये कुछ कर बैठे। तो ये एक सॉफ्ट माध्यम मैंने उस समय चुना था, आप मत चुनो ऐसा। और बहुत ही मतलब उस समय मुझे एक जागृति हुई कि जीवन और मृत्यु जो होता है ईश्वर वाले के हाथ में होता है, भगोड़ा होता है, कुत्ता गधा होता है वो इंसान जो आत्महत्या की सोचता है, सबसे बड़ा नपुंसक, सबसे बड़ा फैमिली का कलंक। क्योंकि वो जब मरेगा आत्महत्या करके या कुछ भी, उसकी पीढ़ी न पीढ़ी उस चीज़ का परिणाम भुगतेगी, और वो खुद भी भुगतेगा, और वो ऐसी आग में जलेगा। जब अब मैं देखती हूँ जो अकाल मृत्यु जिनकी होती है, और जो बहुत बुरे कर्मा होते हैं जिनके, और जो सुसाइड वगैरह करते हैं, वो क्या भुगतते हैं, जबकि बहुत सारे इनोसेंट लोगों की अकाल मृत्यु इसकी वजह से भी होती है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किए जाते हैं। जैसे मेरी मदर, तो बिल्कुल किसी से भी पूछो ना तो वो बोलते गाय थी, ऐसा वर्ड कोई शत्रु भी आपके लिए यूज़ नहीं करेगा, आप गाय थे इसलिए गाय बोला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इनोसेंट लोगों पर कलंक लगाया जाता है, मेरी माँ ने ना सुसाइड किया ना वो झगड़ालू थी, मतलब इतनी अच्छी औरत जो जिन्होंने सिर्फ सेवा ही की, ओके, जिन्होंने सेवा ही की, ना उनको कभी कोई जेवर मिला ना कोई साड़ी मिली, मतलब बहुत ही बुरी अवस्था कह सकते हैं कि कोई मतलब घर में ननंद रहती थी तो ननंद ननंद के हस्बैंड, उसके बच्चे, वो सब उसको सेवा करना पड़ता था, बहुत ही मतलब खराब अवस्था। ऐसे अवस्था में जब उनको ट्रीटमेंट ना दिया गया तो उनकी डेथ हो गई। कितने मतलब बुरे लोग पहले हुआ करते थे सच में, जो औरत बोल रही है कि मेरा सर इतना दुख रहा है कि मैं मर जाऊंगी, फिर भी उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। और आज बहुत अवेयरनेस है प्रेग्नेंट औरतों के लिए, हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट है, सभी जगह पे सुविधा है। तो काश उस वक्त मेरी माँ के लिए भी ये सुविधा होती तो बहुत अच्छा होता, बट ये डेस्टिनी थी। हमको इतने सारे लेसन ना मिलते तो शायद हम उन चीज़ों का दुख दर्द समझ नहीं पाते, अनाथ बच्चों का दर्द समझ नहीं पाते, किसी प्रेग्नेंट औरत का दर्द समझ नहीं पाते।
इस तरह से, तो सुसाइडल बिल्कुल नहीं होना है आपको। अगर लगे कि ऐसे कोई थॉट्स आ रहे हैं तो मेरे फेसबुक पे मैंने कुछ सबकॉन्शियस हीलिंग के वीडियोस डाले हैं, उसको आप सुनिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, अक्षदा चढ़ाइए, शिव मंदिर में बैठिए, शिव से बातें कीजिए, ओके, ओम नमः शिवाय का 100 माला जप कीजिए, कि ताकि आप एंगेज रहो, कोई भी बुरा ख्याल ना आए, कितनी भी तकलीफ हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूर्य को भी और चंद्र को, दोनों को जल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पे बिल्व पत्र चढ़ाइए, अभी तो श्रावण मास है, और कुछ भी ऐसा आप अच्छा कर सकते हैं और जिससे जो है आपके संकट टल सकते। काल भैरव का स्मरण कीजिए, क्योंकि चंद्र जब होता है तब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स भी बहुत होते हैं, जब चंद्र पीड़ित हो जाता है। तो मुझे याद है उसी टाइम मेरी सौतेली माँ ने कीमा कर दिया था बिल्कुल ब्लैक मैजिक से, मुझे अपने मैके भेज दिया था माँ के घर, और 12वीं का ईयर, तो बहुत ही मतलब यार ट्विन फ्लेम की लाइफ बहुत, मतलब मुझे सिर्फ राकेश शर्मा जी की बातें सही लगती है जिन्होंने कहा कि ट्विन फ्लेम की लाइफ कभी सिंपल हो ही नहीं सकती, आप सोचोगे भी नहीं इतने प्रॉब्लम्स होंगे, तो ये सच्चाई है। अब देखो श्री कृष्ण की लाइफ में वो इतने बड़े, उनको भगोड़ा कहा जाता है क्या, रन छोड़ दास, मतलब उनको भी अपना सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा, तो कहाँ कहाँ भाग भाग के, भाग भाग के ये लाइफ बिताते रहे, कहाँ श्री राम को भी कभी वनवास जाओ कभी, और लास्ट में उनको मतलब वैवाहिक जीवन का सुख तो मिला ही नहीं इस तरह, मतलब। और सोचो हमारी 100 साल की भी लाइफ नहीं, 50-60 पता नहीं कितनी है, उसमें हम तरस जाते हैं वैवाहिक जीवन के सुख के लिए। भगवान श्री राम का जो आयु था 11,000 साल, तो मतलब उनकी किस एज में शादी हुई, किस एज में सेपरेशन हुआ, किस एज में वाइफ मरी, उसके बाद 11,000 साल तक ये इंसान जिंदा रहा और बिना वाइफ के। तो इसीलिए मुझे लगता है राम नाम इतना पवित्र है, क्योंकि जो मर्यादा और जो अनुशासन उन्होंने फॉलो किया उसकी वजह से उनके अंदर वो पावर्स है कि उनके राम नाम के कहते हैं कि एक बार राम नाम लो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का फल मिल जाता है, तो ये इसी वजह से है शायद। तो राम नाम का जप कीजिए, किसी भी चीज़ में आप खुद को एंगेज कीजिए, ज़्यादातर चीज़ स्पिरिचुअल हो तो अच्छा है। सबकॉन्शियस हीलिंग मेरे फ्री में डाले हुए हैं तो उसको सुनिए, और ये एनर्जी कलेक्टिव में हो सकती है क्योंकि उसी ग्रह नक्षत्र पे ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स पैदा होते हैं। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी कलेक्टिव में बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, मैच होती है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो ये मतलब बहुत गंभीर सूचना है ये ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो बिल्कुल इसके ऊपर वर्क कीजिए, और रेकी हीलिंग अगर आप इस बार रेकी हीलिंग करते हो, मुझे याद है कि जब मैंने अपनी चंद्र की 20 की एज में रेकी सीखा, तुरंत उसके बाद से फिर कभी मैंने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मैं खुद को मतलब मृत घोषित करना चाहती थी और मैं रेकी लेती थी और रेकी साधना में मैं इस तरह से डूब जाती थी कि महसूस करती थी कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ, और मैं लिटरली समाधि की अवस्था को मतलब थी ही ट्विन फ्लेम, और मुझे लगता था सभी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, कोई इतनी गहरी साधना में नहीं उतर सकता ट्विन फ्लेम के सिवा। तो मैं इतना डूब जाती थी कि मतलब जैसे ब्रह्मांड दिखाई दे रहा, और इतने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, जो एक नरक था चंद्र की महादशा मेरी चल रही थी, और जो मैं नरक भोग रही थी, मानसिक पीड़ा भोग रही थी, और अंदर मेरे जो अमृत का सागर था, ओ माय गॉड, मतलब इतना, मतलब अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मुझे पता था कि जो दर्द मुझे बाहर हो रहा है उसके ऊपर एक ही दवा है और वो मेरे अंदर है। तो मैं अंदर उतर जाती थी और मैं उस सागर का, उस अमृत का पान करती थी, पीती थी, और बहुत ही खूबसूरत लाइफ मेरी उस टाइम के बाद स्टार्ट हुई। लेकिन दोस्तों ये अमृत पीने से पहले मुझे जहर पीना पड़ा। तो कभी भी अगर लाइफ में बहुत गंभीर बुरा हो रहा है तो याद रखिए कि बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही बेस्ट होने वाला है।
तो कभी भी किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और रेकी को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मैं क्यों रेकी को इतना इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। ओके, उस समय मेरे फादर ने मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में भी भेजा, लेकिन मैं देखती थी कि गुरु के सामने तो मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा, लेकिन वही चीज़ें जब मैं घर में आगे करने लगी तो मेरा मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इवन मैं ऐसे, मतलब कितने घंटों तक माइंड में करंट चल रहा है, ऐसे ऐसे मेरी अवस्था हो जाती थी। तो झटके वाली जो चीज़ें होती है, हठ योग जो होता है, वो बड़ा ही डेंजरस होता है। हठ योग से लोग शक्तिपात करके चक्रा एक्टिवेट करते हैं, वो डेंजरस होता है, पागल होने का भय होता है, मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, इंसान कुछ और ही हो जाता है। लेकिन रेकी जो होती है बहुत ही सॉफ्ट है, बस हाथ रख दिया और चक्रा एक्टिवेट हो गए। कोई उसमें करंट वाइब्रेशन, मतलब ऐसा खतरनाक कुछ भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। प्रेग्नेंट लेडी भी अगर ले ना तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती, बच्चा अच्छा हो जाएगा, आप लोगे तो पीरियड्स खुल के आएंगे, चेहरा खुलने लगेगा, मेमोरी शार्प हो जाएंगी, आईज अच्छे हो जाएंगे। लोग बोलेंगे मुझे क्यों चश्मा है, देखो भाई मुझे क्यों शुगर है, तो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी होते हैं, फिर भी बताती हूँ। देखिए, कोई भी सब्जी होती है ना, कोई भी सब्जी होती है, आप उसको बाहर रखोगे वो 2 दिन रहेगी, फ्रिज में रखोगे 8 दिन रहेगी। तो इस तरह से रेकी आपका फ्रिज है, आप उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो। मानो मेरे आईज में बहुत ज़्यादा चश्मा होता या मेरी आंखें चली जाती, तो मेरे मतलब उतनी रिकवरी हुई। आपका फोकस किस चीज़ पे है, क्या आप रेकी ले रहे हो? अगर मैं आज भी रेकी लूँ तो मेरी आंखें का चश्मा पूरी तरीके से जा सकता है। लेकिन सिर्फ रेकी ही इम्पोर्टेंट नहीं, खाने में भी वो चीज़ें आपकी चाहिए कि आप सोचोगे मैं रेकी ले रहा हूँ मेरी आंखें अच्छी होनी चाहिए, नहीं, आपको फूड भी अच्छा लेना है, पानी भी पीना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सनलाइट में आप नहीं जाओगे तो भी आंखें कमज़ोर हो जाती है। ओके, मैंने बहुत बार ट्राई किया कि अगर मैं दिन भर सोती थी शिरडी में, मुझे याद है घर में अकेला सोने से डरती थी मैं, इसलिए मैं मंदिर में जाके सोती थी, और वहाँ पे तो नींद होती नहीं थी, फिर घर में दिन भर मैं सो जाती थी, फिर रात में उठ के मंदिर में चली जाती थी। तो इस तरह से रूटीन चला और सूर्य देवता के दर्शन ही मुझे नहीं होने लगे, और मैंने देखा कि मेरी आंखें बहुत कमज़ोर हो गई है। तो हर प्लैनेट का अपना रोल होता है, इसलिए ज्योतिष को कभी भी कम ना समझे। जिसने स्टडी किया है वो जानता है, कोई भी आलतू फालतू गटर का कीड़ा उठ के बोल देगा कि ज्योतिष पे विश्वास मत करो तो ये गलत होगा। ओके, तो ये है कि ज्योतिष से आपको कई सारी चीज़ों का पता चलता है। कोई भी देखो, जब ज्योतिबा फुले हमारे उनकी वाइफ जो थी, फर्स्ट टाइम उन्होंने महाराष्ट्र में जो है लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट किया। कोई भी ज्ञान की चीज़ अगर हो ना तो गंदे लोग उस पे एक्शन लेते हैं, तो पता है जब वो लड़कियों को सिखाने के लिए जाती थी तो लोग जो है, जो काऊ डंक होता है, मतलब काऊ की पॉटी, वो लेके उनको मारते थे। आज देखो औरतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अगर उन्होंने वो कार्य ना किया होता तो महाराष्ट्र में लड़कियाँ पढ़ पाती? नहीं पढ़ पाती। तो लेकिन जिन्होंने ये कार्य किया उनको कितना गलत तरीके से ट्रीट किया गया, उनको पॉटी फेंक के मारा गया। तो इस तरह से कोई भी अच्छी चीज़ आप बताने जाओ तो निगेटिव एनर्जी अपना रोल निभाती है, वो आपको किस तरह से कि आप ही को गलत साबित कर देगी कि ये ज्योतिष के नाम पे कुछ ऐसा कर रहे हैं ये वो। तो इतना भी कम ना समझे। और इस समय बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को स्ट्रेस हो सकता है। ओके, बहुत सारे ट्विन फ्लेम को, इंक्लूडिंग डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन की बहुत ही रैपिडली अवेकनिंग हो रही हो और वो बहुत दर्द में है, पेन में है, तो उनकी एनर्जी आप पिक कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है। तो दोनों को आप चाहिए कि भाई इंटरनल लेवल पर उसको भी मैसेज भेजो कि बी पीसफुल, बी रिलैक्स, बी शांत, आप ही की सोल है। कुछ लोग बोलते हैं यार उसको उसके लेसन उसको लेने दो, वरना उसकी अवेकनिंग नहीं होगी, इस जन्म में हमारा रीयूनियन नहीं हुआ। यार सब कुछ डिवाइन प्लान है। ओके, तो बिल्कुल हार्श, मतलब उनको पीछा भी मत पढ़ो, रियलाइजेशन होने दो, लेकिन मेंटल लेवल पे आप ईश्वर से प्रार्थना करो कि भाई सबकी अवेकनिंग बहुत अच्छे से हो, किसी को भी कोई बुरा परिणाम देखने को ना मिले। तो रेकी ज़रूर सीखिए, मैंने इतना शेयर किया अपनी लाइफ के क्यों मैं रेकी को इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो रेकी ने उस समय मुझे सुसाइडल थॉट्स से बचाया,
रेकी ने मतलब जीवन दान दिया है। रेकी, अगर आप अपने बच्चे को कुछ देकर जा सकते हो तो उनको ये सिखाइए कि किसी भी बुरी परिस्थिति में अपना इलाज कैसे करें, क्योंकि कोई भी मेंटल डॉक्टर्स जो होते हैं दोस्तों, वो आपको बोलेंगे कि नींद की गोलियाँ खिला के आपको जो है सुला देंगे, और वो नींद की गोली आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आपका सर दुखने लगेगा, पता नहीं क्या क्या होने लगेगा, और सालों साल अगर ऐसी गोलियां चली तो हो सकता है लिवर खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए। और सबसे पहले तो ये बोलेंगे एडमिट करो, फिर वही पेपर जो है हो सकता है दिखा दिए जाए और आपको पागल साबित कर दिया जाए। तो मैं बहुत लकी थी कि मेरे लाइफ में रेखी आई, अदरवाइज मुझे शायद साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता उस समय। वो भी ट्राई किया गया, लेकिन वो गोलियाँ जो थी, वो टैबलेट्स जो थी, मुझे सूट ही नहीं करती थी। मैं आई वॉज सो सेंसिटिव, मतलब अभी भी मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, और वो गोली मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, तो इसलिए वो नहीं चल सका। मैं उसको मैंने नहीं लिया वो, और हालत बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाता है इंसान। तो बिल्कुल मुझे रेकी ने एक नॉर्मल लाइफ जीने का चांस दिया, अदरवाइज मेरे ऊपर वो पागलपन का लेबल लग जाता। और आज मैंने सक्सेसफुली, क्योंकि देखो मैं देखती हूँ कि जो काउंसलिंग मैं कर पाती हूँ, कि जो काउंसलिंग मैं कर पाती हूँ, बड़े बड़े साइकेट्रिक नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों उन्होंने सिर्फ वो पढ़ा है, ओके, भोगा नहीं है कि क्या होता है जब इंसान डिप्रेशन में जाता है, उसको किस टाइप के हीलिंग की ज़रूरत होती है, किस वाइब्रेशन की ज़रूरत है, किस थॉट्स में वो होता है, कौन सी उसकी फीलिंग्स होती है। तो ये तो सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बातें कंप्लीटली जान भी लेते हैं साइकेट्रिक, बट जब तक कोई दर्द खुद ना भोगा जाए, ओके, तब तक आप समझ नहीं पाते हो कि सामने वाले के साथ हो क्या रहा है, उसको कौन सी चीज़ से आराम पड़ सकता है। ये सिर्फ अपना हॉस्पिटल चलाने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे कि तुम ट्रीटमेंट लो और तुम ठीक हो जाओ, लेकिन बहुत गंभीर परिस्थिति जब होती है तब इन्हीं की ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए, कि जब आपको मतलब ऐसा है कि कोई पेशेंट बिल्कुल सुसाइड कर रहा है तो उसको गोलियां दे के सुला दो, दो चार दिन बाद रिलैक्स होके वो उठेगा तो थोड़ा शांत हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से हर एक चीज़ का रोल ज़रूर होता है, लेकिन साइकेट्रिक ट्रीटमेंट सब कुछ नहीं है, आपको बता देती हूँ। अगर आप किसी भी मानसिक परिस्थिति परिणामों से जूझ रहे हैं तो आपको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेनी है। उसके साथ आपको आहार पे ध्यान देना है, अपने विचारों पे ध्यान देना है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि एक अच्छा थॉट आपकी लाइफ बदल सकता है, एक बुरा थॉट आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है, तो दूसरा अच्छा थॉट कितनी भी बुरी परिस्थिति हो आपको जीने के लिए हिम्मत दे सकता है। तो इसलिए अच्छे विचारों, अच्छे बुक्स और रेकी, योगा, प्राणायाम और स्फूर्तिदायक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अच्छे विचार, वो बुक पढ़िए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, अच्छे विचार। और मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी दोस्तों, यू कैन विन, ओके, वो मराठी, वो इंग्लिश बुक है, उसके शायद बहुत सारे अनुवाद हो चुके हैं, हिंदी में वगैरह भी मिल सकते हैं, और मैंने वो मराठी में पढ़ी थी, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उस समय पढ़ने का बड़ा शौक था मुझे, बट मैंने देखा कि आज मैं इतनी बातें कर पाती हूँ, जबकि देखा जाए तो मैं कोई बुक्स रीड नहीं करती, या मैं न्यूज़पेपर भी रीड नहीं करती, मैं न्यूज़ भी नहीं देखती, मैं अपनी ही दुनिया में रहती हूँ, फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आकलन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान और मेडिटेशन में मेरे माइंड को वो गति मिलती है कि मैं दुनिया से कैच कर पाऊँ, या हाउ कैन आई एक्सप्लेन, मतलब विश्वास उठ गया उस चीज़ से, जो तर्क वितर्क आज मैं बोल के दिखा सकती हूँ, कर सकती हूँ, वो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है बुक्स पढ़ते हैं, उसी का आइडिया आपके स्पीच में सुनाते हैं और आप इम्प्रेस हो जाते हो, लेकिन मेरा कोई भी वाक्य, कोई भी लाइन किसी की कॉपी की हुई नहीं रहती है, वो अपने अंदर से आई हुई रहती है, तभी उसमें वो प्योरिटी, वो प्योर वाइब्रेशन, क्योंकि वो ना लॉजिकल माइंड की एनर्जी वाइब्रेशन नहीं है मेरी, वो पूरी डिवाइन वाइब्रेशन है, क्योंकि हर वक्त डिवाइन से कनेक्टेड रहती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, और वो मेरा सोल पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस डिवाइन एनर्जी को मैं फील करूँ और आप तक पहुँचाऊँ,
ओके, तो इसीलिए मेरी सबकॉन्शियस हीलिंग इतनी पावरफुल होती है। लोग सिर्फ आवाज़ सुन के हील हो जाते हैं मेरे। अगर व्हाट्सएप पे मैं वॉइस रिकॉर्ड भेजती हूँ तो लोग उसको संभाल के रखते हैं कि मैडम की आवाज़ सुन के बड़ा कूल लग रहा है, पीसफुल लग रहा है, मैडम आपसे बात करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरी सोलमेट मेरी एक एक वॉइस क्लिप संभाल के रखी हुई है। उसका मोबाइल भी चोरी हो गया था तो शायद भगवान नहीं चाहता तो रहे उसके पास। तो इस तरह से क्यों ये इतनी पीसफुली वॉइस लगती है, क्योंकि भाई इसके ऊपर बहुत वर्क हुआ है, काम हुआ है, इसको किसी भी गलत चीज़ में हमने इन्वेस्ट नहीं किया है। बिल्कुल ये डिवाइन से कनेक्टेड रही है, तभी ये एकदम प्योर सोल रही है, और सोल की वजह से वॉइस भी प्योर आती है। वो इनोसेंस, वो प्योरिटी, वो एनर्जेटिक लेवल उनको वो वॉइस में मिलता है। किसी न किसी को कोई ना कोई पावर इंसान देता है। बहुत सारे रेकी हीलर रेकी दे के ट्रीटमेंट करते हैं, बट मेरा हेल्थ इतना ख़राब चला कि मैं किसी के हीलिंग में नहीं पड़ी। और जब भी मैं किसी की हीलिंग करती थी तो एक इम्पैथ थी, तब वो सब मुझे पता नहीं था कि मैं एक इम्पैथ हूँ और इसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। तो उनके प्रॉब्लम्स मेरे पास आ जाते थे और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, जो को तो सालों तक मैं भोगती थी वो परिणाम। तो अब मुझे वो समझ में आया, इसलिए मैं अब वॉइस से ज़रूर हीलिंग करती हूँ लेकिन वाइब्रेशन से मैं नहीं करती। तो मैं उनको एक्टिवेटेड क्रिस्टल बेचती हूँ कि वो क्रिस्टल तो बहुत ही प्योर वाइब्रेशन देते हैं। फिर भी मेरा डेली इनर वर्क का मेडिटेशन आप अगर खरीदोगे दोस्तों, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप अगर उसको रोज़ सुनते हो, किसी कारणवश आपके पास पैसे नहीं है तो जो फेसबुक पे फ्री में डाले हुए वीडियो रिलैक्सेशन का है, दिन में 2-4 बार उसको सुन लो, 10 बार सुन लो, रिलैक्स हो जाओ। और सबसे बड़ी ये है कि मान लो देखो बाथरूम बहुत गंदा हुआ है, चिकनाई वाली चीज़ है, तो उस पर क्या करोगे, उसके अगेंस्ट जो चीज़ है डिटर्जेंट डाल के धो डालोगे पूरा। ओके, तो उस तरह से जब आप बहुत दुखी हो, सैड हो, तब आपको कॉमेडी सुननी चाहिए। कॉमेडी शॉर्ट्स, गोविंदा, करिश्मा, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मतलब तो ऐसे हंसा देना चाहिए खुद को। रोने में कुछ नहीं पड़ा है। ओके, लाइफ 1 मिनट में फिनिश की जा सकती है, लेकिन इसको जीना बहुत, मतलब शूरवीर सिंह बनो। ओके, कचरा मत, बिचारे ये बन, पूरा ऐसा बिचारे का लेबल चिपका के मत जियो, जैसे थर्ड पार्टी रो रो के मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती पता नहीं क्या, लोगों की सिंपैथी कलेक्ट करना, उस तरह से एक बिचारे गांडू बन के मत जियो। ओके, आंडू पांडू गांडू, मतलब गंदी लाइफ मत जियो, रोते हुए मत मरो। ओके, तो लाइफ को मस्त जियो, मस्ती में जियो, आराम से जियो, खुश रह के जियो, म्यूजिक सुनो, जोक सुनो, जोक करो, खुद हंसो, लोगों को हंसाओ, क्रिएटिव बनो। और याद रखिए कि कोई भी इंसान जो है ईश्वर का ही पार्ट है, हिस्सा है, तो कोई भी इंसान कचरा नहीं हो सकता। ओके, मतलब आपका भी इम्पोर्टेंस है, बट सही वक्त पे सही चीज़ चमकती है। तो मंदिर में भी जब भगवान को रखते हैं तो उसको पहले वो मूर्ति को कितने घाव बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तो तब जाके उसको देवत्व प्राप्त होता है, उसका अभिषेक किया जाता है, उसको क्या क्या किया जाता है, लेकिन उससे पहले उसके साथ क्या क्या किया जाता है। आपको बताती हूँ कि पत्थर भी जिंदा होते हैं। ओके, कण कण जिंदा होता है। आप सोचोगे कि जमीन पे पत्थर है वो जिंदा नहीं है, नहीं, पत्थर जिंदा होते हैं, वो आपसे बात कर सकते हैं। अगर आप इसको रियलाइज करना चाहते हो तो रेकी सीखिए। रेकी बहुत ही जादुई चीज़ है और वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो आध्यात्मिक चीज़ है। वो आपको पेड़ पौधों से, पत्थरों से, बादलों से, सारी चीज़ें किस तरह से अलाइव है, किस तरह से आप उनसे बात कर सकते हो, ये आपको वो सिखाएगी। तो क्रिस्टल रेकी में आप देखोगे कि सच में क्रिस्टल बात करते हैं, जैसे क्रिस्टल गेजिंग हुआ या पेंडुलम मूवमेंट्स हुआ, या जिस तरह से हम उसको एक्टिवेट करते हैं क्रिस्टल रेकी में, 500 रुपये हम लेते हैं पर क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर काम करना पड़ता है, मेडिटेट करना पड़ता है, तब जाके वो क्रिस्टल अपनी वाइब्रेशन देता है। अदरवाइज ज़ीरो, कोई भी क्रिस्टल, कोई भी रत्न कोई काम नहीं करता, उसको वो सिर्फ उसको एक्टिवेशन के बाद ही वो काम करता है।
इसलिए अगर आप कोई भी ब्रेसलेट हमसे खरीदो तो उसको एक्टिवेट करो, विदाउट एक्टिवेशन वो पहनने का कोई मीनिंग ही नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी। तो आप देखोगे कि वो वाइब्रेशन देगा, रोज स्क्वाट्स पहनोगे तो बड़ा अच्छा फील करोगे, हैप्पी। मतलब मेंटल स्ट्रेस में आप मून स्टोन, रोज स्क्वाट्स ये सब पहन सकते हो। ओके दोस्तों, तो रेकी सीखिए, ब्रेसलेट खरीदिए, डेली इनर वर्क का मेडिटेशन खरीदिए, विद्याशक्ति बच्चों का बहुत माइंड शार्प हो जाता है, प्रॉस्पेरिटी अटेनमेंट से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एंगेज रहना चाहिए किसी न किसी चीज़ में। मिड ब्रेन एक्टिवेशन से आपका मिडल ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक्टिवेट होता है। तो ज़रूर जो है उस सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए। ओके, थैंक यू।